एक व्यक्ति से पूछा, क्यों रे तूने क्यों पी, क्यों तेरे में अकल नहीं है? ये गंदा नाली का पानी पी रहा है, गटर का पानी पी रहा है, ये मदिरा पी रहा है, ये गंदा पानी पी रहा है, ये मदिरा का नशा कर रहा है, क्यों पी? तो क्या बहुत गम था इसलिए पी ली, बहुत गम था, दुखी था इसलिए पी। उसे पूछा कि क्यों पी, तो कहे गम था तो पी, दुखी था तो पी ली। अगर दुखी होता तो यहां नहीं मिलता, यहां तो वो मिलते हैं जो शंकर के कृपा पात्र होते हैं, जिनका हाथ शिव ने पकड़ा होता है, वो यहां बैठते हैं, वो यहां पहुंचते हैं। वो शिव तत्व है, औघड़ी है। हम करें शिव की आराधना, हम करें भगवान शंकर का भजन, हम करें भगवान शिव की भक्ति, हम करें भगवान शंकर का गुणगान, हम करें भगवान शिव का स्मरण। और वो शिव भक्ति, वो शंकर भगवान का गुणगान, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाली है। खींच रहा गला। हमारे शिव की भक्ति हमारे जीवन को आनंदता प्रदान करने वाली है। आप करो, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु जी से कह दिया, तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कह दिया, मेरे पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव है, मेरे पिता भगवान शिव है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, क्या नारायण के पिता शिव होंगे? एक बहू को सास बार बार समझाती है, हमारी सास ने हमको ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमारी सास ने ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमें ये तकलीफ आई, हमें ये तकलीफ आई, हमारी सास ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया। एक सास अपनी बहू को समझाती है कि हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है, हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमारी सास का जो स्वभाव था, हमारे सास का जो स्वभाव था वो बड़ा कठिन था, बड़ा कठोर स्वभाव था। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे जो पिता है ना भगवान शिव, वो साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, अगर आप कहते हो कि शंकर भगवान आपके पिता हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हो कि भगवान शिव आपके पिता हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव आपके पिता हैं, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान विष्णु ने कहा, क्यों आपको भरोसा नहीं है क्या, आपको विश्वास नहीं है क्या कि शिव मेरे पिता हैं, ये आपको भरोसा नहीं है, ये आपको विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, एक किसी के घर में घुसना और एक किसी के दिल में घुसना, एक घर में प्रवेश करना और एक हृदय में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। विश्वास, भरोसा एक इतना विशेष शब्द है कि ये आपके भीतर उतरना,
बड़ा कठिन है। दो चीजें बड़े सावधानी में रखिएगा, एक विश्वास, भरोसा, और एक शक। ये दो चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, एक विश्वास भरोसा, दूसरा है शक, दूसरा है शक करना। ये दो चीजें बड़ी विचित्र है। हर किसी व्यक्ति पर शक भी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो ठीक हो और आप अपने मन से गलत सोच रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि तुमने सोचा वो व्यक्ति वैसा निकल जाए। दूसरा नंबर पर है विश्वास, भरोसा इतनी जल्दी मत करना, एक शक भी इतनी जल्दी मत करना और एक भरोसा भी इतनी जल्दी मत करना। कोई तुमसे मीठी बात करे, बहुत प्रेम की बात करे, और तुम एकदम विचार कर लो कि यही पूरा, इस पे पूरा भरोसा, इस पे पूरा आपका दृढ़ता है, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें थोड़ा सा कंट्रोल रख कर चलें, एक शक पर और एक विश्वास पर। और हम तो आपसे भी कहेंगे, जितने लोग कथा सुनने आए, जितने भी यहां पंडाल में बैठे हैं, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आपका विश्वास शिव के प्रति हो, आपका विश्वास भगवान की कथा के प्रति हो, आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति हो, तो आप कथा में जाओ। और आपका अगर विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, आपकी दृढ़ता नहीं है, तो आपको कथा में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पर रहो, चार रोटी ज्यादा खाओ, आराम से टीवी देखो और सो। विश्वास हो तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। यह भरोसे से परमात्मा की प्राप्ति। एक विश्वास के साथ अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक विश्वास के अनुकूल आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, आप विश्वास के साथ परमात्मा का भजन कर रहे हो, तो यह मानकर चलना कि परमात्मा तुम्हारे साथ में है। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो गए। सती मैया का भोलेनाथ जी पर विश्वास डिग नहीं पाया, सती मैया का भोलेनाथ जी पर भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया। सती जी ने शंकर भगवान से कह दिया, आप कह रहे हो कि ये राम है, आप कह रहे हो कि ये परमात्मा है, और ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, अगर ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं तो ये परमात्मा नहीं हो सकते। ये माता सती भगवान देवदिदेव महादेव से कर रही है, जिनके साथ रह रही है, जिनके सम्मुख है, उसके बाद भी उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा पक्का नहीं हो पाया, और उन्होंने कह दिया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो भगवान ने कह दिया, जाके परीक्षा लेकर आ जाओ, जाकर परीक्षा ले लो। और सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई। सती माता परीक्षा लेने के लिए जब गई, सीता जी का रूप रखकर उन्होंने परीक्षा ली, और भोलेनाथ जी को यह ठीक नहीं लगा, विश्वास टूट गया। पति जरा सा फोन पर बात कर रहा है और पत्नी ने शंका करना चालू कर दी, समझ लो घर टूटने वाला है। पत्नी फोन पर बात कर रही है और पति ने शंका कर ली, समझ लो घर टूटने वाला है। बहू थोड़ी देर, छोटी बहू थोड़ी देर सास के पास बैठी तो बड़ी को शंका लगी तो घर टूटने वाला। किस शंका में हम जिंदगी जी रहे हैं? अरे भाई, शिव कथा कहती है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। आपने अगर भरोसा करा है तो परमात्मा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो परमात्मा तुम्हारे साथ चल रहा है। एक विश्वास और एक शंका, एक शक, ये दो चीजें बड़ी सावधानी की हैं। विश्वास भी सावधानी का है और शक भी सावधानी का।
ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि शंकर भगवान भगवान विष्णु के पिता हैं, ये विश्वास नहीं हुआ। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था, क्या शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्या का हल हो जाता है? दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था, क्या बेलपत्र खाने से शुगर और बीपी का लेवल बराबर हो जाता है? एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाने से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? विश्वास नहीं था लोगों को। क्या एक बेलपत्र खाने से सोरासिस की बीमारी ठीक हो सकती है? लोगों को विश्वास नहीं था। क्या एक शंकर भगवान की आराधना करने से क्या 20 साल में, 25 साल में, 10 साल में, 8 साल में, 15 साल में गर्भ ठहर सकता है? विश्वास नहीं था लोगों को।